हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो डेट है 24 मार्च है, और आज के दिन जो हम अपनी पोजीशंस अगर देख लें तो मैंने बैंक निफ्टी में कॉल शॉर्ट किया हुआ है। यहाँ पर दो कंट्री, दो लॉट में। यहाँ पर जो मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, कि यहाँ से हमको एक और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। मैं अगर आपको एंट्रीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मार्केट का बिहेवियर है। यहाँ पर सबसे पहले एक सेलिंग चल रही थी मार्केट में, ओके। उसके बाद फर्स्ट पुल बैक में बाय नहीं करते, अगेन सेलर डोमिनेट किए, बट उसके बाद मार्केट गैप अप हो करके ऊपर डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन किया। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया, चलो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ से रिटेस्ट के बाद कंटिन्यू करना था, तो मार्केट को आज गैप अप खुल करके ऊपर चले जाना था। यहाँ पर मार्केट जो है गैप डाउन हो करके, और यहाँ पर जो 30 मिनट्स में देखा हूँ तो वीकनेस को शो कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ से स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, बट मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ से सेलिंग का है। अभी अगर पोजीशंस देख ले तो मैंने हैज करके पोजीशंस बनाई हुई है, तो हमारा 39,600 का कॉल सेल में है और उसको हैज किया हुआ है 40,700 के कॉल से। टोटल मार्जिन हम देख लेते हैं तो हमारा 1,04,000 करीब मार्जिन यूज़ हुआ है। अभी यहाँ पर हम वेट करेंगे, और अब हम स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आज का जो हाई है, यहाँ पर आज का हाई है 440। अगर मैं आपको डेली कैंडल में भी दिखा दूँ तो आज का जो हाई है 440 है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है 445 पे है। अगर टोटल देखेंगे तो 5,000 रुपीज़ की रिस्क है यहाँ पर, 5,000 के अराउंड अराउंड कम ही होगा उससे। तो वेट करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर बाइंग सिनारियो है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने कॉल सेल किया हुआ है। देखते हैं क्या होता है, बट जब तक मार्केट 39,500 के ऊपर है, ये यहाँ पर बाइंग साइड में सस्टेन करेगा। जैसे ही यहाँ पर 39,500 ब्रेक होगा, यहाँ पर एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। तो अभी अगर ऑप्शन का चार्ट देख लें तो ऑप्शन के चार्ट में स्कोप है थोड़ा बाइंग का, बट जो स्पॉट का चार्ट है यहाँ पर जो है सेलिंग कंटिन्यू होना चाहिए। यहाँ से देखते हैं स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी आएगा मैं अपडेट करूँगा। अभी नियर बाय कॉस्ट के आसपास है, तो ओके, टाइम हो रहा है 10:38 AM। मैं अपडेट करूँगा स्टॉप लॉस लगेगा या टारगेट होगा। तो ओके, तो गाइस अब हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। ये जो है डेली कैंडल में चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये जो है मार्केट, ये टोटल यहाँ से अगर मैं जूम आउट करूँ यहाँ पर, तो मार्केट टोटल एक सेलिंग ट्रेंड में चल रहा है, लोअर हाइज के क्रिएशन को बनाते हुए। ओके, अब यहाँ पर जो है मार्केट एक स्ट्रेच हुआ, अगेन स्विंग लोस को, दोनों स्विंग लो को यहाँ ब्रेक डाउन किया, फर्स्ट पुल बैक आया, अगेन सेलर्स डोमिनेट किए, बट यहाँ से बायर्स ने डोमिनेट किया। पर यहाँ पर जो है ये जो क्लोजिंग प्राइस है, ये ग्रीन कैंडल का, ये जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करते हुए अब मार्केट ने यहाँ से बाइंग को कंटिन्यू कर देना था डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन के बाद। अब यहाँ पर जो हुआ है, कल भी हुआ है, इसके बाद मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुल चुका है, ये सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो अब इसके बाद मार्केट के पास जो सपोर्ट आता है, वो जो इस ग्रीन कैंडल का लो है वो सपोर्ट आता है, और अगर ये भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर ये सपोर्ट आता है मार्केट के पास। तो यहाँ पर अगर हम 15 मिनट चार्ट्स में चले जाएं कल के, तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा बाइंग को शोकॉट किया, लोअर हाई का क्रिएशन किया, और यहाँ अगेन सेलर आए, बायर आए, बट यहाँ से कंटिन्यू हो जाना था ऊपर। यहाँ ये जो फेलियर हुआ है और इसके बाद जो सेलर्स ने डोमिनेट किया है, इसके बाद यहाँ से ऊपर सेलर्स नहीं जाने देंगे, यहाँ से सेलर्स नहीं जाने देंगे।
अब अगर ऑप्शंस में हमारा जाके स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, बट हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आना चाहिए, और जो है इस सपोर्ट को, इस सपोर्ट लेवल पे फर्स्ट बार यहाँ पर रिएक्ट करना चाहिए, और अगर इसको भी कंटिन्यूएशन में ब्रेक डाउन कर दे मार्केट, तो फिर सेलर्स यहाँ तक के उनको लेके आना चाहिए। तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए इस कॉल ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशन बनाई है। अभी अगर हम अपनी पोजीशन देख लें तो यहाँ पर जो है अभी नेट टू नेट लॉस में ही चल रही है हमारी पोजीशन। हमारा जो है आप देखेंगे कि एवरेज प्राइस है 356 के आसपास हमने शॉर्ट किया है। जो मैंने एक क्वांटिटी शॉर्ट की वो प्राइस 360 के करीब था, और उसके बाद फिर मैं इसको हेज करने लगा तो दूसरा क्वांटिटी ऐड करने में थोड़ा नीचे मिला, तो ये प्राइस जो है एवरेज होके थोड़ा और नीचे सेल हो गया। पर कोई बात नहीं, पर कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है हम वेट करेंगे, देखते हैं सेलर्स ले जा पाते हैं या नहीं। एंट्रीज हमारी एकदम सही है, अगर यहाँ चॉपिनेस क्रिएट होती है, शार्प बाइंग मूव होता है तो फिर एसएल जा सकता है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बट हमारी एंट्री सही है यहाँ पर, ये मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ यहाँ से थोड़ा सा मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से पुल बैक एक्सपेक्टेड है, बट ये एक प्रकार से ब्रेकआउट फेलियर सिनारियो है। तो जब ब्रेकआउट फेलियर है तो सेलर्स डोमिनेट नहीं करने देना चाहिए और यहाँ से नीचे ले जाना चाहिए, और अगर यहाँ एक दो दिन और ज़्यादा सस्टेन हो गया प्राइस तो फिर धीरे धीरे एक ट्रेंड लाइन चल रही है। वन डे में अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक ट्रेंड लाइन चल रही है मार्केट की, यहाँ पर अगर मैं जूम आउट करूँ तो आप देख सकते हैं मार्केट की ये एक ट्रेंड लाइन चल रही है। मार्केट फिर इस ट्रेंड लाइन को अप्रोच करेगा कि किसी तरह से इसको ब्रेक करे, बट फिर ये बहुत साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा हमको एक दो वीक। तो देखते हैं मार्केट क्या करते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल व्यू यहाँ पर दूँ तो अगर मैं मंथली में जा करके देखता हूँ तो मार्केट काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है अपने पोजीशन से। मार्केट कंटिन्यूअसली बाइंग में है, अभी सारे स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हैं, अपने अपर प्राइस पे हैं। तो यहाँ से जैसे कि अगर मैं मंथली प्राइस एक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर बायर्स ले तो गए हैं हायर स्विंग के ऊपर, तो यहाँ से एक पुल बैक जरूर आएगा सेल ऑफ होने से पहले, एक पुल बैक पक्का आएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ मार्केट ने हाईज ब्रेक किए हुए हैं तो आएगा। अब वो पुल बैक यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा कोई नहीं जानता है, बट मार्केट हो सकता है इस बाइंग मोमेंट का 50% या 38% से एक पुल बैक देगा, और अगर उसके बाद भी अगर इसको नहीं क्रॉस कर पाए तो फिर आप ये मान के चलिए कि एक आपको अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा मार्केट में, एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा मार्केट में। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो वीडियो है ये सारे लर्निंग पर्पस के लिए है, मैं डिस्क्लेमर में ऐड कर दूंगा उसमें आगे। तो ये सब जो है ये सब लर्निंग पर्पस के लिए है, ये इसको किसी भी तरह से टिप्स या कॉल्स नहीं समझना है। अगर आप लर्न करना चाहते हैं मार्केट को, मैं जिस तरह से लर्न किया हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो नया बैच है वो अप्रैल में स्टार्ट होगा, तो अप्रैल से आप एनरोल कर सकते हैं ताकि मतलब आपको अगर लर्न करना हो तो आप सीख सकते हैं। बाकी डिटेल्स तो अभी देखें तो पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ी सी ऊपर आ गई है, 10 पॉइंट का गेन है बस। तो यहाँ पर मैं वेट करूँगा, फर्स्ट टारगेट तो यहाँ करी है कहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने वन डे में दिखाया था आपको, तो वेट करूंगा और मैं आपको अपडेट करूंगा। ओके ओके फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 11 बजे के आसपास, पर अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट जो है अब यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट एक्टिविटी कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारी कैंडल की ओपनिंग जो है प्रीवियस कैंडल के नीचे है। यहाँ पर आप क्लोजिंग देख सकते हैं मार्केट की क्या है, 39,506, और यहाँ पर ओपनिंग है यहाँ पर 39,508। तो यहाँ पर मार्केट 2 पॉइंट से गैप अप होके कैंडल बना रहा है, तो पॉसिबली यहाँ पर मार्केट एक ग्रीन कैंडल क्रिएट करे। तो अगर मार्केट इस हाई को क्रॉस करेगा तो ये यहाँ पर फिर कॉल से एग्जिट बनेगी, फिर मैं यहाँ पर पुट शॉर्ट कर दूंगा शॉर्ट टर्म के लिए, अगर डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पर कंप्लीशन हो जाता है। ये अगर ग्रीन कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी तो फिर मैं कॉल से एग्जिट करूँगा यहाँ पर
और अगर मार्केट वीकनेस करके या वीक कैंडल बनाएगा तो फिर शायद ना करूं। यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, अभी जो डब्ल्यू पैटर्न की बात की गई है ये 15 मिनट चार्ट लगा हुआ है यहाँ पर, और इसके पहले जो हम सब डिस्कशन कर रहे थे वो 1 डे की टाइम फ्रेम पर कर रहे थे जो डब्ल्यू पैटर्न का फेलियर हुआ है। यहाँ से तो क्या है कि मार्केट बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हुआ है कंटिन्यूस, तो मार्केट का नेचर स्विंग का होता है, तो ये पुल बैक्स लेते हुए चलता है, बट हम मार्केट में प्राइस एक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर हाई क्रॉस हो चुका है आई गेस। इसका हाई है 567 और इसका हाई है 575। हाँ यहाँ पर हाई क्रॉस कर दिया, तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से 38% का रिट्रेसमेंट दिखाएगा अगर सेलिंग ट्रेंड भी है तो। ओके तो गाइज अभी 11:11 हो रहा है और यहाँ पर जो मैं वेट कर रहा हूँ 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो ये इस जो रिट्रेसमेंट कल हुआ है उसका मार्केट डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ पर जो है 15 मिनट ग्रीन कैंडल आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस एक्शन फॉर्मेशन हो चुका है, तो अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो मैं यहाँ पर पुट को शॉर्ट करूँगा और कॉल से एग्जिट करूँगा। मैं अगेन कॉल शॉर्ट करूँगा जब सही प्राइस एक्शन आएगा, इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अभी अगर मैं आपको पोजीशंस दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ 1300-1400 का लॉस चल रहा है और यहाँ पर कॉल है, तो मैं कॉल से एग्जिट करूँगा जैसे ही अगर ये 15 मिनट 3 मिनट बाद अगर ये कैंडल यहाँ पर क्लोज कर देती है परफेक्टली तो। ओके तो गाइज मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ कॉल की पोजीशन से, तो यहाँ देख सकते हैं कुछ 1800-1900 का लॉस बुक हुआ है। अब मैं यहाँ से भी एग्जिट करूँगा और मैं यहाँ पर कुछ पुट की शॉर्ट पोजीशंस बनाऊँगा, तो यहाँ पर जो पुट है इसको मैं सेल कर देता हूँ, उसको बाय कर लेता हूँ। ओके तो हमारे यहाँ 2 लॉट शॉर्ट हो चुके हैं, तो देख सकते हैं पुट में कुछ 600 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, 600-700 का। अब यहाँ पर मैं वेट करूँगा, मैं स्टॉप लॉस देख लेता हूँ मेरा कितना बन रहा है और स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ओके तो मैं यहाँ 385 पे स्टॉप लॉस अपना लगा देता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं चार्ट्स को देख लूँ तो 15 मिनट्स में हम देखेंगे हमने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की है, 312 के आसपास शॉर्ट हुआ है और काफ़ी नीचे शॉर्ट हो गया है, तो हमने इसी स्विंग हाई का यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया है। अगर मार्केट अगेन इस हाई इसको क्रॉस करेगा तो फिर हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और क्योंकि अब हम जो अगर सेलिंग ट्रेंड मान के चल रहे हैं तो 1:1 भी आएगा तो हम बुक कर सकते हैं अगर ये अगेन यहाँ पर क्रॉस करने लगेगा। तो यहाँ से जो एक शार्प बाइंग आई थी मार्केट में, तो मार्केट इस रीटेस्ट के लिए पक्का जाएगा, तो 230 के लेवल्स हमको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं, 230 से 226 के आसपास। फिर यहाँ सर एक शार्प रिकवरी और मार्केट क्या रिएक्ट करता है वो देखने को मिल सकता है। अभी जो देख ले तो हम 300-400 रुपये के प्रॉफिट में हैं बस, और हमारा जो डेली का लॉस का टारगेट रहेगा वो 5,000 के आसपास रहेगा। अगर इतना लॉस यदि स्क्रीन में आ जाएगा तो फिर मैं सारी पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा बिना कुछ सोचे समझे। तो ओके मिलते हैं, देखते हैं अब मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अगर मैं अभी दिखाऊं बैंक निफ्टी का चार्ट आपको, तो यहाँ पर मार्केट जो है ये देखिए बिना विक्स की बहुत स्ट्रांग कैंडल मारकुजू कैंडल यहाँ पर बन चुकी है, जिसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुका है, इसी हाई का हमारा स्टॉप लॉस ही था, तो जैसे ही ये 15 मिनट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ प्रीवियस के तो हमने यहाँ पर एग्जिट करे। अब यहाँ पर इधर अगर मार्केट इस लेवल को अगर नहीं तोड़ेगा तो हमारे पुट की एंट्री सेफ रहेगी। ओके अगर मैं यहाँ पर एक फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर लूँ, आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो अगर यहाँ से हम माने
तो ये जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं यहाँ पर, ये 38% रिट्रेसमेंट है, ये 50% रिट्रेसमेंट है, तो इसी किसी जोन से मार्केट को रिजेक्ट करना चाहिए अगर ये सेलिंग यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है। अगर यहाँ मार्केट होल्ड करता है, साइडवेज हो जाता है, पॉज कैंडल बनाता है डेली में, तो फिर आने वाले समय में बाइंग की तरफ मार्केट जा सकता है। बट यहाँ पर जो ये कैंडल मैं देख रहा हूँ, ये वाली, ये मुझे बहुत स्ट्रांग बाइंग कैंडल लग रही है, तो मैं अभी अपनी पोजीशंस होल्ड रखूँगा यहाँ पर और वेट करूँगा। अभी पोजीशंस अगर देख लें तो 100 रुपए के आसपास में, 200 रुपए कुछ ब्रेक इवन पे ही चल रही है, यही मान लीजिए। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 11:42। अभी अगर हम अपनी पोजीशन देखें तो 1800 कुछ के प्रॉफिट में चल रही है, और यहाँ पर अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जब मार्केट एग्जिट बोलेगा तब हम एग्जिट कर देंगे, अभी हम होल्ड करके रखेंगे पोजीशंस को। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम हो रहा है 11:56 के पास। अभी अगर अपनी पोजीशन देख ले तो 3000 रुपये कुछ है, यहाँ पर लॉस है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं दिखा देता हूँ। 3000 रुपये के आसपास प्रॉफिट में चल रही है, और अगर ओवरऑल नेट पोजीशन देखे तो 800 रुपये के प्रॉफिट में। अगर मैं अपनी पोजीशन दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है मार्केट कंटिन्यूसली बाइंग साइड में बिहेव कर रहा है, तो इधर ये 50% रिट्रेसमेंट लाइन या तो फिर कल का स्विंग यहाँ से रिट्रेस करेगा। अभी अगर मैं ऑप्शन के चार्ट देखूँ तो जो 174 का प्राइस अगर मेरे को मिल जाता है तो मैं यहाँ पर एग्ज़िट कर दूँगा, और अगर ये यहाँ पर इस सपोर्ट से रिएक्ट करके अगेन रिटेस्ट ले जाता है, फिर कंटिन्यू नहीं करता है फर्दर, तो फिर भी मैं एग्ज़िट कर दूँगा यहाँ पर। और आप ये पोजिशन को देख लें तो ये 400 रुपये के प्रॉफिट में आ चुकी है। यहाँ पर जो हमने सुबह 2000 करीब लॉस बुक किया है, इसलिए यहाँ पर अभी प्रॉफिट दिख नहीं रहा है आपको। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है मार्केट में। ये डेली कैंडल में मार्केट का बिहेवियर है, अगर बायर्स स्ट्रांग हुए और अगर सेलर्स ट्रैप हुए होंगे तो फिर बायर्स इसके ऊपर भी ले जाके क्लोज करने में संकोच नहीं करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 12:20 के आसपास, और मार्केट अभी जो है वहीं पर साइडवेज है 45 मिनट से। तो देखते हैं मार्केट 1:1 दे चुका है, 1:2 देगा या नहीं देगा, ये प्राइस एक्शन फॉर्मेशन के बाद पता चलेगा। अभी अगर मैं जो अपने ऑप्शन की पोजीशन दिखाऊं तो ये है ऑप्शन की पोजीशन, अपन वेट कर रहे हैं 175 के प्राइस के आने का। बट अगर मार्केट इस जोन से अगर सपोर्ट लेगा, इस जोन से या अभी यहाँ, ये अगर रेड बनने के बाद अगर अगेन ग्रीन बन के इसके ऊपर निकल गया, अगर मार्केट इसका हाई है 290 और इसका हाई है 288, तो अगर मार्केट 290 के ऊपर क्लोज कर देगा तो यहाँ से फिर अगेन पुट ऑप्शन ऊपर की तरफ चल देगा। पर देखते हैं, वेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका जब लो क्रॉस कर देगा, यानी 252 को अगेन अगर ये कैंडल या और कोई कैंडल क्रॉस कर देगी तो हम SL ट्रेल कर सकते हैं 290 पर अभी हम नहीं कर सकते हैं। आ तो रहा है, ये है 252, अगर ये 252 क्रॉस कर देगा तो फिर मैं अपना SL ले जा करके 290 पर ट्रेल कर दूंगा, 291 पर कर दूंगा आज। ओके, तो वेट करते हैं। तो पोजीशंस अगर मैं देख लूं अभी तो पोजीशंस 600 के प्रॉफिट में, और यहाँ पर 2700 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट पोजीशंस आपको दिखाऊं तब आपको प्रॉफिट्स दिखेंगे। तो ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 12:40 के आसपास, और मार्केट यहाँ टारगेट दिए बिना ही यहाँ पर अगेन कॉस्ट के नियर बाय आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब जो अगर मैं 5 मिनट्स का यहाँ पर चार्ट लगा लूँ तो यहाँ पर जो हमको पुल बैक मिलेगा उसमें हम एग्ज़िट हो जाएंगे यहाँ पर।
देख लेते हैं अभी पोजीशंस जो है कॉस्ट टू कॉस्ट चल रही है, तो जैसे ही एग्जिट मिलेगा मैं स्ट्रेट को एग्जिट करूँगा। ओके तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया है, तो जो हमारा 320 के आसपास था, 312 का प्राइस था, बट हमने यहाँ पर 320 के आसपास निकाल दिया है पोजीशंस को। अभी यहाँ पर जो है पुट की पोजीशंस है, इसको भी एग्जिट करते हैं थोड़ी देर में। ओके तो अभी अगर हम मार्केट का सिनारियो देख ले जाके, तो मार्केट यहाँ पर अब कंटिन्यूएशन में जो था, अपन ने बोला था रिट्रेसमेंट करके सेल करेगा, तो हो रहा है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स तो टाइम हो रहा है 11:05, यहाँ पर मैंने छोटा सा एक बाइंग में स्कैल्प मारा है, ये देख सकते हैं आप, 12:57 से 13:05, 7 मिनट के अंदर का ट्रेड था, तो यहाँ पर हमने जस्ट थोड़ा सा लॉस को रिकवर किया है। अब हम देखेंगे मार्केट में क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। मार्केट टोटल साइडवेज हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ ओपन हुआ, कंसोलिडेट हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो अपन ने पुट को शॉर्ट किया। अब अगेन मार्केट यहाँ जा रहा है, अगर ये इस स्विंग को तोड़े बिना रिट्रेस करके नीचे कंटिन्यू करेगा तो हम कॉल में शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। देखते हैं मार्केट क्या बिहेव करता है, मैं अपडेट करता हूँ। ओके फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 50% अपनी कैपेसिटी की क्वांटिटी और शॉर्ट की है सी में, यहाँ पर मैं वेट करूँगा, अगर मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा तो मैं और 50% क्वांटिटी ऐड करूँगा। ओके फ्रेंड्स तो देख सकते हैं प्रॉफिट्स में आ गई है पोजीशन। अभी मैं सिनारियो अगर आपको दिखाऊं यहाँ स्क्रीन पर, तो मार्केट जो है ये जो ट्रेंड लाइन को मेंटेन करते हुए यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, अगर ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है यहाँ नीचे, तो ये वाला सपोर्ट तो टूटेगा ही टूटेगा, और फिर मार्केट नेक्स्ट इस सपोर्ट पर अप्रोच करेगा, तो हमको फिर 39,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये इंट्राडे में शायद ना आए, तो हमें पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ सकती है, तो वेट करेंगे और देखेंगे। अभी चल के पोजीशंस देख लें, तो यहाँ पर 700-800 रुपये का कुछ यहाँ नेट प्रॉफिट चल रहा है, वेट करते हैं, देखते हैं। मैं अपनी क्वांटिटीज़ और ऐड नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट ने मुझे और अपॉर्चुनिटी दी नहीं है। अभी अगर क्लोजिंग हो जाती है तो मैं फिर और 50 क्वांटिटीज़ यहाँ ऐड करने का प्लान करूँगा। ओके फ्रेंड्स तो टाइम हो रहा है 1:52। अभी मैं अगर आपको सिनारियो दिखाना चाहूँ, तो मार्केट जो है थर्ड टेस्टिंग के लिए जा रहा है ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पर कहीं आएगा और जो नेगेटिवनेस दिखाएगा तो हम यहाँ पर और पोजीशंस को यहाँ पर ऐड करेंगे, तो वेट करते हैं देखते हैं। और अगर ये कंटिन्यूस निकल जाएगा तो फिर ये पोजीशन फॉल्स हो जाएगी हमारी अभी की। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने निफ्टी का भी एक लॉट यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ पर अगर हम फंड्स देख ले तो मैंने अपना जो टोटल कैपेसिटी है उसको यूज़ कर चुका है। बैंक निफ्टी में वो अलाउ नहीं कर रहा था शॉर्ट करने के लिए, कुछ मार्जिन की प्रॉब्लम हो रही थी, बट तो पहले मैंने यहाँ पर निफ्टी को शॉर्ट कर दिया। तो अभी जो पोजीशंस है जो सामने चल रही है,
मैं टारगेट्स के लिए वेट करूँगा। मार्केट एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक कर रहा है, अगर ब्रेकडाउन सस्टेन करेगा तो यहाँ पर थोड़े से लंबे टारगेट्स भी आ सकते हैं, तो वेट करेंगे, देखते हैं। ओके फ्रेंड, देख सकते हैं कि मार्केट ट्रेंड लाइंस को कैसे रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पर वो सेलर्स को एंट्री दे करके लोअर प्राइस पर, अगेन अभी ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट के बिना जाता नहीं, तो मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट द ट्रेंड लाइंस। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको अगर चार्ट दिखाऊं यहाँ पर, तो ये हमने लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं। अब मार्केट यहाँ से शार्प सेल होना चाहिए। अगर हम चल के पोजीशंस को देख लें तो पोजीशंस भी 3000 के आसपास ही चल रही है। ओके, वेट करेंगे, देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हैं मार्केट जो है फर्स्ट टारगेट के नियर बाय यहाँ पर, फर्स्ट टारगेट के नियर बाय यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर अब ये कंटिन्यू ब्रेक डाउन करता है या ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करता है, ये देखने वाली बात होगी। तो अगर फर्स्ट टारगेट के पास अगर सपोर्ट एक्टिविटी होगी 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो फिर हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। ये क्या होगा कि ये कंटिन्यू सेल होके यहाँ रीटेस्टिंग करके अगेन कंटिन्यू करता है, बट हम यहाँ वेट करेंगे, यहाँ देखेंगे एकदम से नहीं जाएगा, कंसोलिडेट होगा, सपोर्ट एक्टिविटी होगी, तो फिर यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। टाइम देख सकते हैं 2:30 हो गया है, इसलिए प्रॉफिट्स को बुक करना भी ज़रूरी है। अभी P&L देख ले तो 4000 के करीब है। ओके फ्रेंड्स, मार्केट जो है आ चुका है फर्स्ट सपोर्ट लेवल के आसपास, तो मैं यहाँ को अपनी पोजीशन से एग्ज़िट करूँगा। तो यहाँ पर मैं ये एग्ज़िट हुआ मेरा, और ये भी एग्ज़िट हुआ। इसके बाद इसको भी मुझे एग्ज़िट करना होगा, और तो हमने सारी पोजीशंस एग्ज़िट कर दिया यहाँ पर, और 5,500 के करीब प्रॉफिट बुक हुआ है। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन भी दिखाऊंगा, देख सकते हैं। तो यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक होगा। बात एक्चुअलिटी में ये है कि 2:30 है और मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता पोजीशंस को। टारगेट तो आपको एक्चुअलिटी में बताऊँ तो ये है पोजिशनल टारगेट। यहाँ से मार्केट अगर अभी तो थोड़ा यहाँ टाइम स्पेंड करके रीटेस्ट करेगा और अगेन कंटिन्यू करेगा। अब आज करेगा या नहीं करेगा, या मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल के टारगेट दे देगा, तो वो मैं नहीं बता सकता। बट मैं जो है आज का टारगेट पूरा हो गया, कल का कल देखेंगे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है कि आपको कुछ लर्निंग मिली होगी इस वीडियो से। हम सुबह से देख रहे हैं कितने ट्रेड किए हमने, छोटे छोटे जो प्राइस पॉइंट्स है जो मैंने एक्सप्लेन किए, उनसे लर्न करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट होना है, तो अगर आप भी प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारा वीडियो जो है लर्निंग पर्पस के लिए है।